दिल्ली की एनआईए अदालत ने टेरर फंडिंग समेत दो मामले में अलगाववादी यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अलग अलग मामलों में भी यासिन मलिक को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि मुजरिम बेहद गंभीर अपराध में दोषी पाया गया है। यह अपराध आइडिया ऑफ इंडिया के दिल में छेद करते हैं और भारत से जबरदस्ती जम्मू कश्मीर को अलग करने की नीयत से किए गए थे। ये अपराध और गंभीर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये विदेशी ताकतों और घोषित आतंकवादियों की मदद से किए गए थे। और भी गंभीर बात यह है कि कथित शांतिपूर्ण राजनीतिक आंदोलन के धुएं के पीछे किए गए। इस केस को देखते हुए लगता है कि सजा ऐसी होनी चाहिए कि वो ऐसे रास्ते पर चलने वालों को भी एक सबक दे। और बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? इस घटना से इस फैसले से वो तमाम लोग जो बच्चे यतीम हुए हैं, जो महिलाएं विवाहें हुई हैं और जो लोगों के घर जले हैं, कश्मीरी पंडितों को इनकी कार्रवाई इनकी घटनाओं से विस्थापित होना पड़ा, उनके घावों पर आज मलहम जरूर लगेगा। कोर्ट ने अपना काम किया है और जो जैसा करता वैसा भरता। जिस यासिन मलिक ने कश्मीरी पंडितों के साथ कितना बड़ा नृशंस हत्या की थी। जंग के बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसकी बटालियन के कुछ जवान ट्रेनिंग करते नजर आए, जिसके लिए उन्होंने जंगल में कैंप लगाया और फिर सारे जवान एक के पीछे एक भागते हुए जोश से लबरेज नजर आए। इसके बाद उनमें कुछ ने हथियार थामे और दुश्मन को घुटनों के बल लाने के गुर सीखे, जहां उन्हें दीवार का सहारा लेकर फायरिंग करना सिखाया गया। उन्हें खास तौर पर इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि खुद को बचाते हुए उन्हें दुश्मन पर कैसे हमला करना है। इसके अलावा कुछ जवान दौड़कर अंडरग्राउंड बंकरों से गुजरते दिखे तो किसी ने रबर के टायरों के पीछे से गोलियां बरसाईं। बताया गया कि ये यूक्रेन की खास टुकड़ी थी जिसमें लोगों को जंग के दौरान रूस से लोहा लेने के इरादे से भर्ती किया गया। बिहार में चमकी बुखार ने फिर दस्तक दे दी है। मौसम के बदलने के साथ ही बिहार में चमकी बुखार ने फिर दस्तक दे दी है। बिहार के बगहा में दो बच्चों में चमकी बुखार की पुष्टि हुई है। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई के नए केस के बाद लालू प्रसाद यादव बुधवार को बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार वालों के साथ वक्त बिताया। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी ने फिर छापेमारी की। ईडी ने रांची में पूजा सिंघल के दो ठिकानों पर छापे मारे। रूस की फौज ने काला सागर में अपना अब तक का सबसे खुफिया ऑपरेशन पूरा कर लिया। दो हफ्ते तक चले इस बहुत बड़े ऑपरेशन की किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। यह ऑपरेशन समुद्र में डूबे मॉस्क्वा जहाज से जुड़ा था, लेकिन यह साफ नहीं है कि ऑपरेशन चलाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। दावा किया जा रहा है कि जहाज का मलबा निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ गोपनीय दस्तावेज के कारण ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। तो कुछ लोगों का मानना है कि जहाज के साथ डूबे नौ सैनिकों के शव निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। दो हफ्ते तक चले इस ऑपरेशन के लिए रूस ने अपने बेहद ताकतवर जहाजों को काला सागर में भेजा था। यानी जिस वक्त काला सागर में यूक्रेन अपनी ताकतवर मिसाइलें दाग रहा था, उस वक्त रूस मॉस्क्वा का मलबा खोज रहा था। लेकिन इस अभियान के बाद यह साफ हो गया कि मॉस्क्वा का डूबना रूस के लिए कोई छोटी घटना नहीं थी। और एक बात और भी साफ हो गई कि मॉस्क्वा के साथ कोई ऐसा राज दफन हुआ था जो रूस के लिए गले की हड्डी बना हुआ था। मॉस्क्वा जहाज के डूबने की घटना 14 अप्रैल को हुई। बताया जाता है कि जहाज में दो बड़े छेद हुए जिनकी वजह से पूरा जहाज समुद्र में डूब गया था। हालांकि रूस यही कहता रहा कि काला सागर में बहुत बड़ा तूफान आया था और तकनीकी कारणों से जहाज में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मॉस्क्वा डूबा था। लेकिन यूक्रेन हमेशा दावा करता रहा कि उसकी नेपच्यून मिसाइलों ने मॉस्क्वा पर सटीक निशाना लगाया था, जिसकी वजह से मॉस्क्वा समुद्र में डूब गया था। मॉस्क्वा केवल रूस का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जंगी जहाज माना जाता था, जो किसी भी नौसेना पर अकेला ही भारी पड़ सकता था। दावा यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद समुद्र में मॉस्क्वा से बड़ा दूसरा कोई जहाज कभी नहीं डूबा था। मॉस्क्वा पर हर वक्त करीब 550 नौसैनिक और अधिकारी तैनात रहते थे, लेकिन दावा किया गया था कि केवल 200 नौसैनिक ही जिंदा लौट पाए। लेकिन रूस ने तो कभी माना ही नहीं कि उसके सैकड़ों नौसैनिक मॉस्क्वा के साथ समुद्र में डूब गए, बल्कि घटना के कुछ दिन बाद उसने एक वीडियो जारी किया था जिसमें मॉस्क्वा से बचाए गए स्टाफ को दिखाया गया था। उस वीडियो में मौजूद नौसैनिकों के भी लोगों ने गिनती करनी शुरू कर दी थी। ये दावा किया जाने लगा था कि सैकड़ों नौसैनिकों के डूबने की बात सही है, लेकिन खबर है कि रूस की सेना के झूठ पर रूस में ही बवाल मच गया। डूबने वाले कुछ नौसैनिकों के परिवारों ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया,
ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक मरने वाले नौ सैनिकों के परिवार बेहद गुस्से में हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि रूस की नौसेना के अधिकारी जवान सैनिकों को डूबने के लिए छोड़कर चले गए। यहां तक कि कई नौ सैनिकों की तस्वीरें भी इंटरनेट पर लंबे वक्त से फैलाई जा रही हैं, जिनके डूबने का दावा किया जा रहा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पुतिन के खिलाफ बढ़ते विरोध को कम करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया, यानी समुद्र में डूबे नौसैनिकों के शव निकालने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया ताकि डूबने वाले नौसैनिकों के परिवारों का गुस्सा कुछ कम किया जा सके। लेकिन खबर है कि इतने बड़े ऑपरेशन को चलाने की असली वजह इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है, जिसके बारे में रूस की सेना और रूस की सरकार अब तक खुलकर कुछ नहीं बता रही। मॉस्कवा के डूबने के बाद ये दावा किया गया था कि उस पर बड़ी संख्या में परमाणु हथियार मौजूद थे। मॉस्कवा पर हमेशा कुछ परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलें तैनात रखी जाती थी। खबर है कि जब मॉस्कवा समुद्र में डूबा तो वो मिसाइलें भी समुद्र में डूब गईं। मिसाइलों में मौजूद परमाणु हथियार बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकते थे, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें निकालना जरूरी था। जबकि मॉस्कवा की तकनीक से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां भी रूस की टेंशन बढ़ा रही थी। माना जाता है कि मॉस्कवा जैसा कोई जहाज बनाने की कोशिश दुनिया की कई महाशक्तियां करती रही हैं, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई। हर जहाज में उसकी तकनीक और उसके डिजाइन से जुड़े दस्तावेज मौजूद होते हैं। दावा है कि रूस को ये दस्तावेज चोरी होने का डर था, जिसकी वजह से ये लंबा, खतरनाक और महंगा ऑपरेशन चलाया गया। 1 जून से चीनी देश के बाहर नहीं जाएगी। सरकार ने चीनी की कीमतों को काबू में रखने के मकसद से 1 जून से चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी। स्पाइसजेट की वेबसाइट पर साइबर हमला किया गया, जिसका असर कई उड़ानों पर पड़ा। हालांकि बाद में इस कंपनी की आईटी टीम ने इस साइबर हमले पर काबू पा लिया। दिल्ली के नारायणा इलाके में एमसीडी ने अवैध निर्माण होने का दावा करते हुए कुछ दुकानों पर बुलडोजर चला दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई का विरोध किया। रूस ने मारियोपोल के अजोवस्ताल स्टील प्लांट का एक वीडियो जारी किया, जिसमें प्लांट के तबाह हुए कई हिस्से दिखाई दिए। रूस ने यह वीडियो जारी करके स्टील प्लांट पर अपने कब्जे के दावे को और पुख्ता करने की कोशिश की, क्योंकि इसी स्टील प्लांट पर कंट्रोल करने के लिए रूस की सेना और चेचन लड़ाकों को नाको चने चबाने पड़े थे। जंग की शुरुआत में ही मारियोपोल के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा जमाने वाले रूसी सैनिकों और कादिरव के लड़ाकों के कदम स्टील प्लांट पर आकर थम गए थे। स्टील प्लांट के अंदर छिपे यूक्रेन के सैनिकों ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि वहां कब्जा जमाने में रूसी सेना को 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों ने स्टील प्लांट पर टैंक से ताबड़तोड़ गोले दागे, मिसाइलों से भीषण हमले बोले और रॉकेट की बरसात की, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने लंबे वक्त तक घुटने नहीं टेके। लेकिन कुछ रोज पहले पुतिन की सेना ने दावा किया कि स्टील प्लांट के अंदर छिपे यूक्रेन के आखिरी सैनिक ने भी सरेंडर कर दिया, यानी रूस के मुताबिक अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर पूरी तरह उसका कब्जा हो गया था। और अपने इसी दावे को सही साबित करने के लिए रूस की तरफ से स्टील प्लांट का एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो में स्टील प्लांट के उन हिस्सों को दिखाया गया जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए थे। वहां बने कई तहखानों में यूक्रेन की सेना की चीजें बिखरी हुई दिखाई दी। यूक्रेन के सैनिकों के हथियार, पीने के पानी की बोतलें और उनकी वर्दियां वहां हर तरफ बिखरी नजर आईं। रूस ने दावा किया कि स्टील प्लांट में बने कुछ तहखाने तो जमीन से 7 मंजिल नीचे तक बने हुए थे। यही नहीं, वीडियो में अजोवस्ताल स्टील प्लांट के वो हिस्से भी दिखाई दिए जो रूसी सेना के हमलों से खंडहर में बदल गए।